हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, अगर आप एक गेमर हो तो आपको बता दूं कि आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है ग्राफिक की। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप लैपटॉप परचेज करते हो तो आप देखते होगे कि उसमें आपका जो ग्राफिक होता होगा वो बहुत कम होता होगा, क्योंकि उस समय जब आप परचेज करते हो तब आप ध्यान ही नहीं देते होगे कि मेरे लैपटॉप की ग्राफिक इतनी है इतनी है, आप इतना ध्यान ही नहीं देते होगे। फिर जब घर पे आते होगे तो आप किसी से गेम लेते होगे, इंस्टॉल करते होगे, या अगर मान के चलिए आप एक वीडियो एडिटर हो तो आप जब कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो वीडियो एडिटिंग का, तो आपको पता चलता है कि यार मेरे लैपटॉप की तो उतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो मतलब इस गेम को या इस सॉफ्टवेयर को सही से झेल पाए। एक्चुअली होता क्या है कि जो आपकी लैपटॉप की जो कैपेसिटी होती है, मतलब जो ग्राफिक कार्ड होता है, वो उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है कि वो उतने हाई लेवल गेम को या हाई लेवल सॉफ्टवेयर को अपने अंदर रख सके। उससे क्या होता है कि आपका जो लैपटॉप होता है वो हैंग करने लगता है, और हैंग करने के बाद क्या होता है कि आप जल्दी से अपने लैपटॉप से उस गेम को सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर देते हो। उसके बाद आपका जो शौक होता है गेम खेलने का, जिस पर्पज से आप लैपटॉप परचेज करके लेके आते हो, वो शौक शौक ही रह जाता है, और आप बार बार यही सोचते रहते होगे कि काश उस समय मैं ध्यान देता और अपने लैपटॉप को सही लेके आता और ग्राफिक ज्यादा करवा लेता। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं कुल आपको 5 लैपटॉप के बारे में बताऊंगा, और उस लैपटॉप में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि उस लैपटॉप की ग्राफिक कितनी है, क्योंकि जो मैं लैपटॉप बताऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ गेमर के लिए है। अगर आप एक गेमर हो तो आप ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि ये लैपटॉप जो आपको मैं बताऊंगा वो बिल्कुल आप ही के लिए है। अगर आप परचेस करना चाहते हो तो आप एक बार वीडियो देख लो, उसके बाद परचेस करो, क्योंकि बाद में पछताने से कुछ नहीं होता है। पर अगर आप ये मेरी वीडियो देख लोगे 5 मिनट की, तो पक्का बता रहा हूं कि आप एक बार सोचोगे, और सोचने के बाद जो आपकी गलती आगे करने जा रहे हो वो गलती नहीं करोगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं 5 बेस्ट ग्राफिक लैपटॉप के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, और चैनल पे अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो नीचे जाके, और बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं ग्राफिक के बारे में। एक्चुअली ग्राफिक होता क्या है? तो देखिए, जो ग्राफिक होता है वो एक तरीके का, मान के चलिए, एक प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम क्या मतलब, एक तरीके की कैपेसिटी होती है जो आपकी जो गेम होती है उस कैपेसिटी को ऑब्जर्व करने के लिए, उसके अंदर जितनी भी फाइलें होती हैं उसको ऑब्जर्व करने के लिए, साथ ही साथ जो आप गेम खेलते हो तो गेम में आप देखते हो कि ड्रिफ्ट मारते हो, तो मतलब जितनी भी एक्टिविटी आप गेम में करते हो वो सब जो कंज्यूम करता है वो ग्राफिक कार्ड ही के उससे मतलब होता है। अगर आपके लैपटॉप की ग्राफिक कार्ड अगर अच्छा होगा या बेस्ट क्वालिटी का होगा या ज्यादा होगा, तो आपका जो गेम होगा वो हाई लेवल का भी गेम हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से गेम को प्ले करोगे, प्ले करके आप गेम खेलोगे। पर अगर भाई आपके लैपटॉप की जो ग्राफिक होगी वो अगर सही नहीं होगी तो आपका जो गेम है वो हैंग करने लगेगा। उससे क्या होगा कि आपका जो लैपटॉप है वो डैमेज हो जाएगा आपको, मतलब डैमेज होने के बाद क्या होगा, आप फर्जी परेशान होगे, इधर उधर लेके जाओगे, भागोगे। तो देखिए, आज मैं आपको कुल 5 लैपटॉप बताऊंगा जो मतलब हाई लेवल ग्राफिक के लिए हैं और जो सिर्फ और सिर्फ गेम के लिए ही बने, मतलब अगर आप गेमर हो तो वो लैपटॉप सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है बनाए गए हैं। तो आइए देखते हैं 5 लैपटॉप। तो देखिए, सबसे पहले जो लैपटॉप आता है वो आता है डेल का आता है G315, मतलब डेल का G315 वर्जन आता है। तो जो इसकी ग्राफिक है वो है, इसमें आपको मिलेगी एनवीडिया के, एनवीडिया आपको 4 GB का एनवीडिया मिलेगा, जीफोर्स GTX 1050 का। मतलब आप सोच के देखिए कि जो आपकी ग्राफिक कार्ड है वो आपको 4 GB मिल रहा है, वो भी एनवीडिया का, क्योंकि एनवीडिया जो है सबसे नंबर 1 पे माना जाता है ग्राफिक कार्ड में। तो अगर आप एक लैपटॉप परचेज करना चाहते हो तो आप ये लैपटॉप परचेज कर सकते हो, क्योंकि जो इसमें ग्राफिक आपको मिल रहा है वो 4 GB एनवीडिया का मिल रहा है, वो भी लेटेस्ट वर्जन का। ठीक, और देखिए गाइस, आपको मैं पूरी डिटेल तो नहीं दे पाऊंगा इस लैपटॉप के बारे में, मैं खाली इस लैपटॉप के नेम को और इसके ग्राफिक को ही बता पाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं डिटेल और प्राइस बताने लगूंगा। और अगर आपको जानना है तो आप नीचे, मैंने सारे लैपटॉप के नेम भी बता दिए हैं, तो आप वीडियो के बाद जाके वहां से नेम को कॉपी करके आप सर्च करके गूगल पे उसकी पूरी डिटेल भी जान सकते हो, और साथ ही साथ प्राइस। तो आइए जानते हैं दूसरे नंबर पे क्या है। तो देखिए, जो दूसरे नंबर पे आता है वो आता है एसर का नाइट्रो 5। तो सेकंड नंबर पे आपको एसर का नाइट्रो 5 मिलेगा, जिसमें आपको 4 GB एनवीडिया का ही मिलेगा, मतलब एनवीडिया इसमें भी वही वर्जन जो आपको
डेल में मिला था वही, इसमें भी आना वीडिया का ही मिलेगा 4 GB के साथ, जी फोर्स GTX 1050 का, ठीक है। अब जो तीसरे नंबर पे आता है वो आता है आसुस का। तो आसुस का आरओजी स्ट्रिक्स, मतलब आरओजी स्ट्रिक्स एक न्यू वर्जन लैपटॉप अभी आया है, तो उसमें भी आपको जो ग्राफिक कार्ड मिल रहा है वो मिलेगा 4 GB, और वो भी एनवीडिया का जी फोर्स GTRX मिल रहा है आपको, GTX 1050। तो आपको जो इसमें भी ग्राफिक 4 GB मिल रहा है, ठीक है। और जो चौथे नंबर पे है वो है लिनोवो का Y520, मतलब लिनोवो का वर्जन Y520। तो इसमें जो आपको ग्राफिक मिलेगी वो भी आपको मिल रही है 4 GB की, एनवीडिया जी फोर्स GTX 1050 टाई। तो ये आपको जो इसका वर्जन है वो भी सेम है बाकी वर्जन की तरह, एनवीडिया जी फोर्स GTX। तो फ्रेंड्स जो पांचवें नंबर पे आता है लैपटॉप वो आता है HP का Omen 50। तो इसमें जो आपको ग्राफिक मिलेगा वो भी आपको ग्राफिक मिल रहा है 4 GB एनवीडिया का, और वो भी GTRX 1050। तो जो आपको मैंने ये पांचों लैपटॉप बताए हैं, इन पांचों लैपटॉप में जो आपको ग्राफिक कार्ड मिल रहा है वो एनवीडिया का ही मिल रहा है, वो भी 4 GB। तो अगर आप परचेज करना चाहते हो तो आप परचेज कर सकते हो, क्योंकि 4 GB ग्राफिक कार्ड बहुत बड़ी बात होती है एक लैपटॉप के लिए, और इनकी जो प्राइस है वो 1 लाख से कम की ही है। तो अब आप सोचेंगे इतनी कम प्राइस में इतना ज्यादा, तो गाइस वो कंपनी दे रही है, वो कंपनी के ऊपर है। तो आप अगर परचेज करना चाहते हो या आप अभी परचेज करने को सोच रहे हो तो आप परचेज कर सकते हो, आपको नीचे लिंक भी मिल जाएगी। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि ये जो गेमर अगर आप एक हो, अगर गेम आप खेलने का शौक रखते हो तो ये लैपटॉप बिल्कुल आप परचेज कर लो, क्योंकि 4 GB एनवीडिया का बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। आपको जो वर्जन दे रहा है एनवीडिया 4 GB 1 लाख से कम में, तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद जो आप गेम खेलोगे ना, तो आपके गेम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका मतलब गेम क्या हो, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करो हैंग की तो मतलब दूर दूर की बात है। और जो गेम खेलने में आपका इंटरेस्ट आएगा ना वो तो अलग ही बात है। जो आप गेम खेलते हो ना, तो गेम में आप देखते हो कि अंदर बहुत सी एक्टिविटी होती है। जब आप ड्रिफ्ट मारते हो, मान लो अगर आप कार रेस खेल रहे हो तो ड्रिफ्ट मारते हो तो उसमें वेव निकलती है, तो वो सब जो होता है वो ग्राफिक के का मतलब ग्राफिक के वजह से ही होता है। अगर ग्राफिक नहीं होता है तो वो सब उसके अंदर नहीं होगा। अगर आप फोन में देखते हो, पहले जब आप कभी गेम खेलते होगे तो पहले के गेम कभी इतने मजेदार नहीं होते थे। अब आप जितने अच्छे हो, जितने महंगे फोन खरीदते हो, उतनी ज्यादा मजा आता है गेम खेलने में। क्यों? क्योंकि वो गेम का ग्राफिक कार्ड इतना ज्यादा होता है। इसलिए आप पबजी खेलते हो तो पबजी अगर किसी पुराने फोन में खेलो तो हैंग करने लगता है, वही आप अगर न्यू फोन में खेलो तो होता क्या है कि वो बढ़िया चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और जो अगर ओल्ड फोन में खेलो तो उसमें हैंग करने लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें ग्राफिक कम है और 2 GB का गेम वो सपोर्ट ही नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप परचेज करना चाहते हो तो आप परचेज कर सकते हो। और अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप नीचे हमसे कमेंट में पूछ सकते हो, या मेरी ईमेल आईडी है वहां पर आप मुझे मेल भी कर सकते हो, ठीक है। तो यही कुछ आज की लैपटॉप थे और उनके खास बात, मतलब उनके जो ग्राफिक, तो यही था आज इस वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।